करेहो चवर में मिला किशोर का शव, महुआ थाना क्षेत्र के भदवास की घटना। हाजीपुर से चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। किशोर की पीट पीट कर हत्या, साक्ष्य छुपाने की नियत से चवर में फेंका शव। घटना के कुछ ही घंटे बाद हुई शव की पहचान, परिजनों में मचा कोहराम। 14 लोगों पर हत्या की नामजद प्राथमिकी दर्ज। करेहो चवर में मिला किशोर का शव, महुआ थाना क्षेत्र के भदवास की घटना। क्या जानकारी? इसलिए कि हम लोग महुआ के लोग हैं, हमको हॉस्पिटल में बुलवा के वहाँ से भेजा गया है। अच्छा, किस हॉस्पिटल में? अनुमंडल अस्पताल में। अच्छा, वहाँ से हम यहाँ आए हैं। क्या आपको जानकारी दी गई? एक लाश है, उसको लिए पोस्टमार्टम कराने ले जाना है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र है। किस थाने से हैं? महुआ थाने। और घटना हमारे घर से 11-12 किलोमीटर की दूरी पर है, हम उस क्षेत्र के चौकीदार भी नहीं है। क्या घटना क्या है वैसे, अब उसके बारे में हम नहीं बताएंगे घटना क्या है। हम लोग को इतनी जानकारी हुआ कि एक लाश है, आप आइए वहाँ जाइए, कमाल लीजिए, पोस्टमार्टम करा जाइए, उसके बाद में घटना के बारे में हमको कोई जानकारी। उसको किसी ने फोन करके बुलाया जी, गया वो वहाँ पे चोर के तरफ गया कि कहाँ गया, कहाँ ले गया उसको, तो हमको पूरा मालूम नहीं है कि कहाँ ले गया जी। लेकिन हम लोग घर पे थे तो हमको वहाँ से फोन आया कि आपका लड़का को यहाँ पे बजट पड़ा हुआ है। हम लोग घर से गए तो मृत्यु प्राप्त हुआ हम लोग को झाड़ी से। कहाँ बजट था? ये करियो चोर में था, तो उसको दौरान हम लोग उठा के रोड पर लाए। रोड पर लाने के बाद में एक दूसरा व्यक्ति ने उनको उस मृत्यु को पानी पिलाया तो पता चला कि जिंदा है, तो हम लोग पुलिस गाड़ी में लाद करके उसको फिर सदर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन फिर वहां चला पता कि वो डेथ कर चुका है। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है रजनीकांत कुमार। पिताजी का नाम? उसका पिताजी का नाम हुआ देविंदर राय। लड़का कब से गायब हुआ, घर से कब निकला था? लड़का गायब हो गया 8 बजे के लगभग। कौन फोन किया था कुछ पता चला? ये चीज को हमको पता नहीं चला कि कौन फोन किया और कैसे किया, हमको तो मिला खबर तो इसी हम गए। लड़का क्या काम करता था? लड़का दूध के कारोबार करता है। कभी कोई विवाद किसी से? विवाद तो हुआ था कि सामने होली में एक लड़का से झंझट हुआ था, जिसके दौरान मारपीट भी हुआ, तो वो लोग ने केस कर चुके थे थाना में। अब अभी कल उनका उन्हीं का चार्ज में हमारा एक चचेरा भाई थाना पर धरा के चला गया, आज जेल भी हुआ उसको। हाँ, और फिर आज हमको डेड बॉडी भी मिल चुका। क्या लगता है? अब इस दौरान तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जो आगे का जो होगा, जो देखा जाएगा उसको बाद में, कि क्या है नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है। मृतक आपका कौन? पीछे से लोड होता है। मृतक कौन है आपका? मेरा भतीजा हुआ। एक ही बताया, शरीर में कहाँ कहाँ दाग? इसका सीना पे रोड का दाग है, सीना पे और माथा में छुरा मारा हुआ दाग है, और उसके बाद इस पर और इस पर पैर चप्पल का निशान है। कितने आदमी की संख्या में मारा होगा? जैसा लेम से हमको लगता है कि 5-6 आदमी से मारा है। क्या जानकारी मिली? घटना चौड़ में हुआ, करियो चौड़ में, जंगल में मार कर फेंकल, जन 3 जोड़ी चप्पल मारा लेता। ये लड़का क्या करता था? लड़का दूध नापता। कब से लापता था, क्या था? 8 बजे न पता। 8 बजे कही आज? कैसी घर से क्या कहते निकला था? घर से अभी के लड़का कहता है, दोस्त मैंने फोन किया बुला लिए, अभी कहता है जो क्या कहता नहीं। कौन दोस्त उससे था? दोस्त अब कौन है, मैं तो अब मोबाइलो गायब है। आपको जानकारी कैसे मिली? जानकारी तो मिला, खबर हुआ तो गए हम तो देखे जो मार कर जानकारी में फेंकल था। जानकारी उनका पिताजी के फेंकल था, फेंकल था झाड़ी में। क्या नाम है आपका? रविंदर। मृतक आपका कौन है? भतीजा। क्या नाम है उसका? रजनी। पिताजी का नाम? रविंदर राय। घर कहाँ है? घर अलीपुर में। थाना महुआ। पहले से कोई चीज का विवाद हुआ? विवाद अब लड़का समय तो है। किसी का विवाद हुआ था? झंझट हुआ था, झंझट है लड़का फटका के हल्का फुल्का, किसी केस किया अगला पर। तो क्या जो केस लड्डू राय है?
धंधा करा के लाए। आपको शक है वही मारा हुआ है क्या? हाँ, जब विवाद है वो लोग बोलबो करता था जो बदला हम चुका। किसी का विवाद है? विवाद ऐसे लड़का फड़का में तो होबे करता है। इस पर गार्जियन डिटो का मन केस उसी सब भी हाँ केस उस किया वही कस्ती हुआ।